हम लोग भाग्यवान हैं कि हम एक ऐसे कालखंड में जन्मे हैं, हम एक ऐसे कालखंड में जी रहे हैं, हम एक ऐसे कालखंड में हैं जब हम कुछ न कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। कभी कभी मन में हमेशा रहता है कि हम आजादी का जंग चल रहा था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महापुरुष अपने बलिदान के लिए स्पर्धा कर रहे थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के दीवाने घर घर गली गली जाकर के आजादी के सपनों को साकार करने के लिए देश को जगा रहे थे। हम उस समय नहीं थे, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन देश के लिए हमें मरने का मौका नहीं मिला, देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। और यह सौभाग्य है कि यह कालखंड ऐसा है कि यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य बापू महात्मा गांधी, इनकी 150वीं जन्म जयंती का यह पर्व है। ऐसे अवसर हमें अपने कालखंड में मिले, ये अपने आप में हमारा सौभाग्य है। और दूसरा, हमारी आजादी के 75 साल, देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों का स्मरण हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर को हमने खोना नहीं देना चाहिए। 130 करोड़ देशवासियों के हृदय में महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप, देश के आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप, आजादी के 75 साल और गांधी के 150, इस पर्व को हमारी प्रेरणा का महान अवसर बना करके हमें आगे बढ़ना है। मैंने इसी लाल किले से 2014 में स्वच्छता के लिए बात कही थी, 2019 में कुछ ही सप्ताह के बाद मुझे विश्वास है भारत अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर पाएगा। राज्यों ने, गांव ने, नगर पालिकाओं ने, सबने, मीडिया ने जन आंदोलन खड़ा कर दिया, सरकार कहीं नजर नहीं आई, लोगों ने उठा लिया और परिणाम सामने है। मैं, मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। लेकिन साथ साथ हमने अल्टरनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, या तो हम कपड़े का थैला भी बेचेंगे, ले जाइए, हम एक वातावरण बनाएं। दिवाली पर हम भांति भांति के लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्यों ना इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें, ताकि कपड़े का थैला लेकर के मार्केट जाएगा तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। आप सिर्फ डायरी देते हैं तो शायद कुछ नहीं होता है, कैलेंडर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, थैला देंगे तो जहां जाएगा थैले के आपकी एडवर्टाइजिंग भी करता रहेगा। हम पूरे चीजों को, और जूट के थैले हो मेरे किसानों को मदद करेगा, कपड़े के थैले हो मेरे किसान को मदद करेगा, छोटे छोटे काम है, गरीब विधवा माँ जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा। यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवीय के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम